खबर जोबट से, शांति समिति की बैठक, शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। परंपरागत त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के विषय में हुई चर्चा। आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना परिषद में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जन्माष्टमी एवं उर्स जैसे अनेकों त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में जोबट थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में SDOP नीरज नामदेव, थाना प्रभारी आरती चुराटे की उपस्थिति में बैठक की गई। इसमें नीरज नामदेव ने बताया कि सभी महत्वपूर्ण त्यौहार शांति व्यवस्था एकता में एकता मिसाल को कायम रखने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक पर्व एवं त्यौहार हमें कुछ संदेश अवश्य ही देते हैं, उन संदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए हम सबको भी आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाना चाहिए। अभी आने वाले सभी परंपरागत त्यौहारों में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने के लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए। आम जरूरत की व्यवस्थाओं पर नजर रखते हुए चर्चा की गई। इस दौरान मौजूदा लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी। निश्चय किया कि लगातार इन सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण भाईचारे परंपरागत के साथ मनाने की बात कही। स्वागत करता हूँ। यह बैठक मुख्य रूप से इसलिए आयोजित की गई है कि एक तो मुस्लिम धर्मावलंबियों का जो उर्स का कार्यक्रम है, 6 और 7 का, और 7 तारीख को ही जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम है, तो दोनों कार्यक्रम के विषयों पर क्या रूपरेखा रहेगी, कैसा आयोजन होगा, उस संबंध में एक छोटी सी चर्चा करनी थी, इसलिए बैठक आहूत की गई है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बारी बारी से कार्यक्रम की रूपरेखा, दोनों कार्यक्रमों की रूपरेखा बताने का कष्ट करें, ताकि हम लोग उस अनुरूप जो है ड्यूटी आदेशित कर सकें और बल लगा सकें, ताकि शहर में अमन चैन स्थापित रहे। खबर भारतवर्ष के लिए जोबट से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।